है जो मैंने बुक लाइब्रेरी से ली थी, उसके द्वारा मैंने जो पढ़ा, मुझे जो समझ आया, उसके अंदर जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो मैंने इस बुक में लिखा है। मैंने इसमें सिंपली एक A4 साइज शीट का यूज़ किया है, जिसे कॉपी के फॉर्म में बनाया है। सिर्फ इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, माई प्रोफाइल चिपकाई है और माई हॉबीज़, माई स्ट्रेंथ, माई लिमिटेशन, ये सब चिपकाया है। और इसका फर्स्ट पेज पे मैंने बुक का नाम दिया है, नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ पेजेस, नेम बुक इन सीरीज, पब्लिश बाय, पब्लिश डेट, प्रिंट और ACC नंबर। बुक का नाम है सिंपल साइंस। दिस बुक हैव नंबर ऑफ पेजेस 32। दिस बुक इज सीरीज 12/11। पब्लिश डेट, पब्लिश बाय अ विल्कन बुक्स। पब्लिश डेट 2009। प्रिंट इन चाइना एंड ACC नंबर 6678। इस बुक में मेरे को हार्ड वर्ड्स बहुत सारे मिले, तो मैंने उन्हें पहले एक रफ बुक में अल्फ़ाबेट वाइज नोट किया, फिर उन्हें अरेंज करके इसमें लिखा। फिर मैंने सेकेंड बुक पढ़ी स्टार एंड प्लैनेट्स, उसका भी मैंने सेम डेटा इसके अंदर लिया है। और उसके अंदर मुझे कॉन्स्टिलेशन इन नॉर्थन स्काई एंड साउथन स्काई के बारे में मैंने पढ़ा, तो वो सारी मैंने लाइन वाइज और एक अच्छे फॉर्म में नोट डाउन कर लिया है। फिर उसके बाद मुझे इसमें पढ़ने को मिला मरकरी, वीनस, मून, सन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे प्लैनेट्स के बारे में मैंने पढ़ा, तो मैंने उनका भी सॉर्ट आउट कर लिया, जैसे वो कितने डिस्टेंस पे है, उनका कितना ईयर अर्थ डे में आता है, कितने दिन उनके अर्थ डे के बराबर होते या फिर आवर्स के बराबर होते, कितने डिस्टेंस पे है वो सन से और कितना उसका डायमीटर है। फिर उसके बाद मेरी थर्ड बुक थी मिनी बीस द इंसेक्ट ऑन आवर अर्थ, तो उस पर भी मैंने यही सॉर्ट कर लिया। मिनी बीस्ट ऑन अर्थ जितने भी मुझे मिले सबको मैंने सॉर्ट कर लिया। फिर बीटल्स ऑन अर्थ, ऐसे करके जितने भी टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगे वो सारे मैंने इसमें नोट कर लिए। तो ये आप बना के अपने लाइब्रेरी टीचर को दे सकते, यही नहीं आप बुक कवर भी बना सकते, स्क्रैप बुक भी बना सकते, बुक रिव्यू भी बना सकते, तो इसके द्वारा आप एक अपना कार्य दे सकते हैं। धन्यवाद।